हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानवाज और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, आफ्ताब भाई। और आज हम लोग जा रहे हैं फोक्सवैगन के वर्कशॉप में, क्योंकि गाड़ी में कुछ काम करवाना है। और क्या क्या काम करवाना है आज, सबसे पहले मैं आपको फोक्सवैगन का पूरा जो वर्कशॉप है वो एक बार घुमाऊँगा, और उसके बाद जो काम कराना है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये फ्रंट का, ये फॉग का जो कवर है, फॉग लाइट का, ये मुझे चेंज करवाना है। तो ये सबसे पहला तो ये काम है। इसके बाद ये क्या है कि राइट का जो ORVM है ये टूट गया है। ये एक बार एक्सीडेंट में एक ट्रक ने इसको जो है उखाड़ दिया था, तो ये मुझे चेंज कराना है। तो दूसरा काम ये है। और थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ यहाँ पर ये जो बूट है, इसका जो बूट का लॉक है, ये लॉक इसका थोड़ा ख़राब हो गया है। तो ये यहाँ पे ये लॉक आप देख रहे हो, ये लॉक भी मैं चेंज करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वहाँ पे अवेलेबल है, तो चलते हैं और चल के देखते हैं कि कैसे वहाँ पे क्या होता है, क्या उसका प्राइसिंग है, क्या है, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी में काम हो चुका है, तो मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूं, और उसके बाद में मैं फिर इसमें इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या है वो कॉस्टिंग भी मैं आपको बता दूंगा। सो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं फ्रंट फॉग लाइट के कवर के तरफ। ये फॉग लाइट का कवर, ये आप देख सकते हो, ये रिप्लेस हो चुका है, और इसकी जो कॉस्ट आई थी दैट वॉज अराउंड 700 रुपीज़। सो अब नेक्स्ट जो हमारा था वो था ORVM राइट साइड का। सो ये ORVM भी हमारा प्रॉपर रिप्लेस हो चुका है।
और ये एक्चुअली पूरा फुल असेंबली में आता है। ये आप देख सकते हो, ये मिरर है और फिर उसके बाद में ये इसकी एक हाउसिंग रहती है, ये ऊपर का एक कवर रहता है और कवर बेसिकली ब्लैक आता है। फिर उसके बाद इसको आपकी गाड़ी के कलर के साथ मैच किया जाता है, तो इसमें पेंट का भी अलग से कॉस्ट आता है। तो ये ओवरऑल जो मुझे पड़ा ये 3200 के आसपास पड़ा था और ये प्रॉपर फिट एंड फिनिश होकर के मुझे मिला। और इसके बाद जो थर्ड वाला जो था पार्ट जो मुझे लगवाना था, दैट वाज दिस लैच। इसको बेसिकली लैच बोलते हैं, ये लॉक है जो कि बूट में लगता है और इसकी कॉस्ट जो थी वो थी अराउंड 3500 के आसपास। सो ये सारी चीज़ें गाड़ी में लग चुकी हैं और इसका मैंने कॉस्ट भी आपको शेयर कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है और आप अपने जो व्यूज़ हैं या जो कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो एंड होप टू सी यू गाइस अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड राइड सेफली। थैंक यू, बाय।